पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग अपनी वीडियो में लेकर आती रहती हूँ, जैसे स्किन से रिलेटेड हो गया या बालों से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे। वैसे तो मेरा ब्लॉग भी आता है इसी चैनल पे, हेयर से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड ये सब वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आती ही रहती हूँ। सो गाइस, रिलेटेड है कि हम अपने हेयर ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं और अपने हेयर ग्रोथ को कैसे इम्प्रूव करें, हेयर्स को कैसे शाइनी करें और कैसे हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हेयर्स को दें ताकि उसको प्रोटीन भी मिल सके और वो कुछ नुस्खा जो है तो वो बिल्कुल घर का बना हुआ होना चाहिए। मतलब कि हम बाहर का कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, हमें बाहर पार्लर में स्पा के लिए नहीं जाना पड़े, हमें पार्लर में कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़े, केराटिन नहीं कराना पड़े और हमारे हेयर स्किन मतलब हमारे हेयर जो होते हैं वो एकदम शाइनी और सॉफ्ट हो जाए। सो इसके लिए आपको एक घर की ही एक रेमेडी है, बहुत इजी और बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी और इन दो चीजों से आप अपने हेयर्स को बहुत अच्छे से शाइनी, सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं और अपने हेयर्स की ग्रोथ को आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बिलीव मी गाइज, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर आप खुद ही कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करेंगे कि ये नुस्खा आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा था। और हाँ, और ये जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ रेमेडी, उसको आपको क्या करना है, वीक में 2 डेज करना है। मतलब जैसे कि 1 वीक में आपने वेनसडे कर लिया, देन आपने संडे कर लिया, 2 बार अगर आप वीक में करेंगे आप खुद ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखेंगे। मतलब आप ये चीज तो आप लोग समझ सकते हो कि जैसे कोई भी नुस्खा होता है तो अगर वो घर का है, जैसे नेचुरल चीजें होती हैं वो एकदम इंस्टेंट हमें असर नहीं करती, मतलब उसका धीरे धीरे हमारे फेस पे, और अगर हम फेस पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं जैसे बेसन वगैरह हो गया, अगर हम फेस पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो उसका असर हमारे फेस पे धीरे 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 करके आता है। उसी तरीके से जो भी नेचुरल चीजें होती हैं, नेचुरल होममेड रेमेडीज होती हैं, वो धीरे धीरे आपके स्किन पे, आपके हेयर्स पे इम्प्रूवमेंट लाती हैं, एकदम से इंस्टेंट नहीं लाती हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपका हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा, अगर हो रहा है तो वो एकदम से रुक जाएगा। आप मेरे कहने पर एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, मतलब वीक में 2 डेज आप ट्राई कीजिए और ऐसे ही करते करते 2-3 अगर आप जितनी बार अगर आपको एलोवेरा मिल जाए तो आप उतनी बार ट्राई करते रहिए, फिर आप अपने बालों की ग्रोथ, शाइनी। और हाँ, अगर जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है ना डैंड्रफ वगैरह की, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। बिलीव मी गाइज, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं जो भी रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, और अगर आपको उसमें रिजल्ट ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। और ये जो है मैंने खुद पे ट्राई किया है और खुद पे पहले अप्लाई किया है, देन आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर रही हूँ। सो आप वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और आप वीडियो में मैं जो रेमेडी प्रिपेयर करने वाली हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो। तो चलिए अब हम इसको बनाकर रेडी कर लेते हैं। हमें सबसे पहले इतना एलोवेरा ले लेना है, मतलब हमने ये इतना पीस ले लेना है पूरा, और इसके बाद इसको हमें ना साइड से इसके कांटे हटा के बीच में से इसको डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में। देन जब ये डिवाइड हो जाए तो इसके बीच का जो पल्प है वो हमें निकाल लेना है। पल्प को निकाल के हमें मिक्सर में डाल के और रख लेना है। देन इसमें हमें क्या करना है, आप कोई सा भी ऑयल जो आप लगा अपने हेयर्स पे यूज़ करते हैं आप उसको मिलाकर मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। जब दोनों चीज़ें मिक्स होके आपका ऐसा कुछ बैटर मिक्स होके आएगा, फिर आपको इसे जब आपका बैटर रेडी हो जाए देन आपको इसको हल्के हल्के हाथों से अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा नहीं, जड़ों में आप हमेशा ध्यान रखें, इसको बहुत अच्छे से जड़ों में लगाना है। ऑयल आप जो अपने बालों में यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैंने सरसों का तेल लिया था, आप कोई सा भी ले सकते हैं और इसे आप धीरे धीरे अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए, लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हो। और जब आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे, आपको प्रिपेयर करने का पूरा पैटर्न आपने देख लिया, देन आपको इसे सॉफ्टली क्या करना है, अपने हेयर्स में अप्लाई करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अब हमने इसको अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर लिया है, और आप इसको ना स्टार्टिंग में क्या करना है, बीच से हमें पहले मांग निकालनी है, देन ऐसे करके पूरे बालों में आप पीछे तक इसको लगाते हुए जाइए। मतलब है ना, इस क्या होता है ना कि ना अगर जैसे वैसे भी ऑयल आप जानते ही हो कि बालों के लिए कितना अच्छा रहता है,
तो इसीलिए अगर हम जड़ों में अच्छे से करते हैं तो हमारे बालों में ना ज़्यादा अच्छा शाइन आता है, और ना फिर जैसे अगर हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और ये आप एक बार ट्राई करके देखिए मेरे कहने पे, इससे 100% आपको रिजल्ट दिखेगा। मैंने खुद पे ये ट्राई किया है, देन आपके साथ ये मैंने शेयर किया है। बहुत अच्छी रेमेडी है ये बालों के लिए, तो बहुत एकदम रामबाण उपाय है ये। इससे हमारे बालों की ग्रोथ और प्लस हमारे बालों में सिल्कनेस शाइनेस ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही सारे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, जब तक मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। शाइनिंग करने में ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। आपको ऐसे करके इसको ओवरनाइट छोड़ देना है, मॉर्निंग में आपको अपने हेयर को वॉश कर लेना है ठंडे पानी से, और फिर आप देखिए अपने हेयर को। आपको किसी पार्लर की जरूरत नहीं है, कैरेटिन स्पा कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। 1 वीक में 2 डेज कीजिए, फिर आप खुद ही अपने आप में डिफरेंस समझ जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मेरे अंदर जो भी कोई फॉल्ट है, मैं कुछ भी गलतियां करती हूँ तो मैं उसके लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ, अपनी वीडियो में थोड़े चेंजेस लेकर आऊँ। सो प्लीज 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 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए। सो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।